Okay, so today we are going to start with new chapter, magnetic materials. Again, it will be a quick revision. So, इस chapter में basically magnetic materials क्या होते हैं, उसके types क्या होते हैं, एक material में magnetism कहाँ से आता है, ये सब हमको देखना है. And as you already know, इसलिए ही ये एक link होता है electrostatics, फिर current, electricity, फिर मैग्नेटिक फील्ड शुरू इलेक्ट्रिक करंट. क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको मैग्नेटिज्म चाहिए, इफ यू वांट टू हैव मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, तो वहां पे मूविंग चार्जेस मतलब करंट होना ही चाहिए. तो डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं सम मैग्नेट्स हमारे पास होते हैं, नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट्स. ओके, तो एक ब्लैक कलर का मटेरियल आप देखते हो, दैट इज नेचुरल मैग्नेट. तो वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि इस पर्टिकुलर सब्सटेंस में मैग्नेटिज्म कहाँ से आया और बाकी सब्सटेंसेस जो है वो नॉन मैग्नेटिक क्यों है. तो बेसिकली मैग्नेटिज्म, अब अल्टीमेटली मैग्नेट हो या कोई और सब्सटेंस हो, वॉट एवर इट इज, ओके, तो अल्टीमेटली उस दैट मटेरियल इज मेड अप ऑफ सम एटम्स. तो एटम्स से ही बना होगा, राइट? तो एटम्स जो है, एटम्स में क्या होता है, एटम्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिवॉल्विंग. रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन मतलब मूविंग चार्जेस, मूविंग चार्जेस मतलब करंट. तो the source of magnetism ultimately lies in the moving charges, right? तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट क्या है. When electron is in orbit, what is magnetic moment of that electron? So let's start with the first topic of this chapter, that is magnetic moment of an electron. Of an electron revolving around the nucleus, ओके. तो हमारे पास एक न्यूक्लियस है, उसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है. दिस इलेक्ट्रॉन इज काइंड ऑफ अ टाइनी लूप, tiny current loop, and it will have associated magnetic moment. अब जब हम लोग magnetic dipole moment की बात करते हैं यहाँ पे, तो of course from 11th you have learned any electron when it is in orbit, if it is going anti-clockwise, so that side will appear as north pole. अगर आप उल्टे साइड से देखोगे तो it will appear as south pole. तो any current carrying loop acts as magnetic dipole. Depend करता है कि आप देख कहां से रहे हो, मतलब आपको करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है या एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, उस पर डिपेंड करता है नॉर्थ पोल कौन सा, साउथ पोल कौन सा. बट अल्टीमेटली बॉटम लाइन इज कि कोई भी करंट कैरिंग लूप हो या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग हो, तो इट एक्ट एज मैग्नेटिक, इट हैज इट्स ओन मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एंड इट एक्ट एज टाइनी मैग्नेट. ओके, यहां पे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन में है, इसलिए हम लोग बोलेंगे दैट मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद ऑर्बिटल मोशन, MORB इज इक्वल टू, बाय डेफिनेशन आपको पता है, बाय डेफिनेशन डायपोल मोमेंट इज करंट इनटू एरिया, दैट इज बाय डेफिनेशन. और करंट I इज इक्वल टू, करंट I आप कैसे लिखते हो, आपको पता है व्हाट इज बेसिकली करंट, चार्ज अपॉन टाइम. यहाँ पर चार्ज क्या है, E अपॉन टाइम, टाइम कैपिटल T मतलब टाइम पीरियड, मतलब टाइम टेकन फॉर दिस इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन. तो टाइम पीरियड T इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस मतलब 2 पाई R अपॉन वेलोसिटी V, वेयर R इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट. सो देयरफॉर यू हैव I इज इक्वल टू E अपॉन 2 पाई R इनटू V. और A जो होता है, ये A है एरिया ऑफ द लूप, राइट? ए एरिया ऑफ द लूप है, दैट इज पाई आर स्क्वायर. तो इक्वेशन 2 और 3 जब आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिलेगा MORB इक्वल टू IA, एंड I इज EV बाय 2 पाई आर, एंड A इज पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल, तो आपको मिल गया ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट of revolving electron as EVR by 2. Okay,
So this is one of the equations of orbital magnetic dipole moment of a revolving electron. Good. अब अगर मैं इसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं तो मुझे मिल जाएगा एम ओ आर बी इक्वल टू ई वी आर बाय टू एम ई अपॉन एम ई। मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। क्यों किया है मल्टीप्लाई डिवाइड? बिकॉज हमको पता है एम वी आर दिस इज एंगुलर मोमेंटम। तो मुझे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को इन टर्म्स ऑफ इट्स एंगुलर मोमेंटम लिखना था, इसलिए सो आई कैन राइट दिस एज e by 2 m e into l, where l is m v r, ये आपको पता ही है that m is m v r, l is m v r, sorry. So you already know angular momentum of electron is m into v into r. Good. Now, just a minute. ये जो हमने ऊपर इक्वेशन लिखा है ये स्केलर फॉर्म में है, दिस इज स्केलर फॉर्म। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा इसको तो व्हाट आई विल गेट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन टू एम ई एल बार, विच मीन्स इसका मतलब ये होता है कि एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट ये दोनों अपोजिट है। सो इफ ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट इज अपवर्ड लाइक दिस तो एंगुलर मोमेंटम विल बी डाउनवर्ड्स। तो दिस इज हाउ इट इज। तो ये आ गया आपका डायरेक्शन ऑफ एल बार और यहां पे है डायरेक्शन ऑफ आपका एम ओ आर बी, राइट? गुड। सो What we have proved so far, हमने अब तक सिर्फ यही किया है। Those who entered late, उनके लिए मैं वापस बता रहा हूँ। Idea was pretty simple. कुछ material magnetic होते हैं, कुछ material non-magnetic होते हैं। Magnetic material magnetic क्यों होते हैं ये बताने के लिए, और आपको from previous chapter कम से कम basics आपको पता होगा। Basic ये है कि magnetism होने के लिए current होना चाहिए। अब एक सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक है, करंट तो हमने पास नहीं किया, लेकिन फिर ये मैग्नेटिज्म आ कहां से रहा है? तो यू हैव टू लुक इनटू माइक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो जो सब्सटेंस है वो किसी मतलब नंबर ऑफ एटम्स से या मॉलिक्यूल से बना होगा। एटम्स या मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे रिवॉल्विंग। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व होता है तो इट एक्ट्स एज अ करंट कैरिंग लूप। तो करंट की जब बात होती है तो मैग्नेटिज्म आता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं। तो वी इनिशियली हम स्टार्ट यहां से करते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट वहीं से किया। वी हैव टेकन इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस विद ऑर्बिट रेडियस आर। ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बाय डेफिनेशन इज करंट इनटू एरिया। करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज है ई अपॉन टाइम है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड टी इज टू पाई आर बाई वी, टाइम पीरियड टी इज टोटल डिस्टेंस इन वन रिवॉल्यूशन अपॉन वेलोसिटी। तो ये सॉल्व करते गए हमको मिल गया एम ओ आर बी ई वी आर बाई टू, इक्वेशन नंबर फोर। फिर हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो हमने इन टर्म्स ऑफ वी हैव ब्रॉट द सेम इक्वेशन ऑफ ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके राइट, नाउ लेट्स गो वन स्टेप अहेड। तो मैं अब एम ओ आर बी इक्वल टू ई बाई टू एम ई इंटू एल, इतना हमको पता है एल। बट इफ यू रिमेंबर बोहर्स पोस्टुलेट, स्पेसिफिकली बोहर्स सेकेंड पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू बोहर्स सेकेंड पोस्टुलेट ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई। तो मतलब एन एच अपॉन टू पाई, अगर आपको याद होगा एल इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, ये बोहर सेकेंड पोस्टुलेट से आता है, राइट? तो यू हैव एम ओ आर बी एस ई अपॉन टू एम ई एन एच अपॉन टू पाई।
गुड गुड. तो वी हैव दिस इक्वेशन फॉर ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट एज ENH अपॉन 2 और इनटू 2 4 पाई एम ई. ओके, अब एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब ये आपको बताता है कि कौन से ऑर्बिट की बात हो रही है, विच ऑर्बिट वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना. इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो एन इक्वल टू 1 होगा, इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है तो एन इक्वल टू 2 होगा, थर्ड ऑर्बिट में तो एन इक्वल टू 3 होगा. सो फॉर एन इक्वल टू 1, इफ आई पुट एन इक्वल टू 1, व्हाट आई विल गेट इज एम ओ आर बी इक्वल टू ई एच अपॉन 4 पाई एम ई. तो ये जो आपको इक्वेशन मिलता है, इसमें जब आप कॉन्स्टेंट्स की, क्योंकि सब कॉन्स्टेंट है, ई कॉन्स्टेंट है, एच कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है, एम ई कॉन्स्टेंट है, इसमें जब आप सब के सब कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू डालोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, उसको हम लोग बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन. तो ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, मतलब एन इक्वल टू 1, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज बोहर मैग्नेटॉन. ओके राइट. तो सो फार इस स्लाइड में व्हाट वी हैव लर्नड इज एनी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस एक्ट्स एज करंट कैरिंग लूप एंड बिकॉज देयर इज करंट देयर विल बी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के फॉर्मूलाज यहां पे डिराइव किए. नाउ स्टार्ट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर ऑनवर्ड्स. अब आपको कोई भी सब्सटेंस मैग्नेटिक है या नहीं है, अगर ये एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ये आपने केमिस्ट्री में भी सीखा होगा, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ये आपको बताता है नो टू इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स सेम वैल्यूज ऑफ 4 क्वांटम नंबर पजेस नहीं कर सकते. नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम वैल्यूज ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स एन एल एम एल एंड एम एस. लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स, है ना. मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों फर्स्ट ऑर्बिट में है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है. फर्स्ट ऑर्बिट में है मतलब एन की वैल्यू इक्वल टू 1 हो गई, और L की वैल्यू आपको पता है माइनस एन टू प्लस एन होती है, दिस इज व्हाट यू शुड नो. तो मान लेते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए L की वैल्यू भी सेम है, कांस्टेंट है, मतलब सेम है दोनों के लिए. तो N की वैल्यू सेम, L की वैल्यू भी सेम, मान लेते हैं N L सेम, लेट अस से ML भी सेम, राइट. According to Pauli's exclusion principle, no two electrons can have same set of values of all 4 quantum numbers. चार में से तीन का वैल्यू सेम हो गया तो इन दैट केस चौथे का वैल्यू एक के लिए प्लस हाफ होगा, एक के लिए माइनस हाफ होगा. अब ये प्लस हाफ और माइनस हाफ का क्या मतलब है, ये समझना जरूरी है. सो यू हैव टू गो बैक टू दिस पेज नाउ. देखो हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट में है तो उसके पास ऑर्बिटल, मैंने इसलिए इंटरनली ओ आर बी बार बार लिखा है, उसके पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है. लेकिन जब हम लोग एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है डायपोल मोमेंट की वो ग्रेटर देन ऑर्बिटल होती है. मतलब हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट में है तो उसके पास डायपोल मोमेंट है, जब मैं एक्सपेरिमेंटल मेजर करूंगा तो मुझे एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट से जो डायपोल मोमेंट मिलेगा और जो फॉर्मूला थ्योरी से है वो सेम मिलना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं होता, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमेशा थ्योरेटिकल से ज्यादा आती है. इसका मतलब ये होता है दैट देयर इज सम अदर कॉन्ट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दो पार्ट से आता है, एक ऑर्बिटल मोशन प्लस एक स्पिन मोशन, ms स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, तो एक बात समझ लो, पहले क्या था आइडिया, क्या था आइडिया, ये था कि आपको पता है दिस इज सन, सन के अराउंड प्लैनेट्स, प्लैनेट्स क्या करते हैं, प्लैनेट्स रिवॉल्व भी होते हैं, प्लैनेट्स रोटेट भी होते हैं. सो प्लैनेट्स आर स्पिनिंग एज वेल एज प्लैनेट्स आर ऑर्बिटिंग. तो यूजिंग दिस एनालॉजी ऐसा माना गया दैट इलेक्ट्रॉन्स भी
दे आर स्पिनिंग, इसलिए इसको बोलते हैं एम एस को बोलते हैं डायपोल मोमेंट ड्यू टू स्पिन, स्पिन डायपोल मोमेंट। बट इन रियलिटी इलेक्ट्रॉन्स डोंट स्पिन। ये कॉन्ट्रीब्यूशन कहां से आ रहा है नहीं पता। हम बोलते हैं इंट्रिंसिक है, मतलब इंट्रिंसिक मतलब इट्स ओन नेचर, वो इलेक्ट्रॉन है तो एम एस होगा, बात खत्म। कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, वी डोंट टॉक अबाउट इट। स्पिन से नहीं आया, लेकिन पहले ये कंफ्यूजन था इसलिए उसको स्पिन डायपोल मोमेंट बोल दिया, लेकिन बाद में समझा कि इलेक्ट्रॉन स्पिन नहीं होता है। ओके, सो एनीवेज, अब एज यू नो, व्हाट डू यू नो इज एनी इलेक्ट्रॉन विल हैव टू कॉन्ट्रीब्यूशन, डायपोल मोमेंट के दो कॉन्ट्रीब्यूशन है, ऑर्बिटल और एक दूसरा है इंट्रिंसिक है जिसको स्पिन बोल के रखा है। और आपने एक चीज देखा यहाँ पे, दिस वन डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फिर वो ऑर्बिटल हो या फिर वो स्पिन हो, तो स्पिन के भी, स्पिन डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन होगा। तो होता ये है प्लस हाफ माइनस हाफ, मतलब ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का एम एस वर्टिकली अपवर्ड्स ओरिएंटेड है, दूसरे का नीचे, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, तो एम एस वैल्यू फॉर वन इज प्लस हाफ एंड फॉर अदर इज माइनस हाफ। ओके गुड, जब एक सब्सटेंस में या एक एटम में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पेयर्ड मतलब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में एम एस प्लस भी है, एम एस माइनस भी है, तो दे कैंसल आउट ईच अदर, कैंसलेशन, मतलब वी डू नॉट एक्सपेक्ट सच मटेरियल्स टू बी मैग्नेटिक इन नेचर। तो मैग्नेटिज्म, परमानेंट मैग्नेट की बात कर रहा हूं मैं, फेरोमैग्नेट्स की बात कर रहा हूं, फेरोमैग्नेट्स वही सब्सटेंस होंगे जिसमें लास्ट आखिरी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिस मटेरियल में होंगे वही मटेरियल परमानेंट मैग्नेट हो सकता है, फेरोमैग्नेट हो सकता है, राइट। दिस इज समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, तो अगर आपको पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझा है, विच टेल्स यू दैट तीन क्वांटम नंबर सेम हो भी गए तो चौथा इज नॉट सेम, सो नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम स्टेट बेसिकली। ओके, नाउ यू कैन टॉक अबाउट मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब होगा क्या, अब एज आई टोल्ड यू, जिस एटम में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वहां पे कैंसलेशन है, मतलब इसका डायपोल मोमेंट और इसका डायपोल मोमेंट कैंसल हो गया, मतलब वहां पे नेट डायपोल मोमेंट जीरो है। लेकिन ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, मतलब दे हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उस सब्सटेंस में क्या होगा, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। मान लेता हूं मेरे पास ये एक क्यूब है, दिस क्यूब इज मेड अप ऑफ, लेट मी ड्रॉ अ क्यूब, ओके, सो दिस क्यूब हियर विच आई एम ड्रॉइंग, ये ऐसे सब्सटेंस से बना है जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब हर एक एटम के पास नेट डायपोल मोमेंट है और डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं वेक्टर्स को एरो से शो करने वाला हूं, तो ये है डायपोल मोमेंट। ओके, अब यूनिट वॉल्यूम में हो सकता है इस क्यूब का वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब हो, 100 मीटर क्यूब हो, 20 मीटर क्यूब हो, 25 मीटर क्यूब हो, ओके, बट एनीवेज, तो पर मीटर क्यूब में अगर मैं एक छोटा यहां पे क्यूब लेता हूं इसके अंदर, तो हाउ मच डायपोल मोमेंट इज देयर पर मीटर क्यूब, उसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन MZ इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, इट इज एन एक्सट्रीमली सिंपल थिंग, मैग्नेटाइजेशन इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ऑफ कोर्स यहां पे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ सब्सटेंस है, क्योंकि इवन नंबर होगा तो वो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो नेट डायपोल मोमेंट तो वैसे भी नहीं था वहां पे, तो मैग्नेटाइजेशन
is defined as magnetic dipole moment per unit volume. Good? Good. So now we have to go ahead and define different types of substances. Okay. उससे पहले आई मीन ऑफकोर्स दिस इज सम मिसमैच, लेकिन जैसे आपके सिलेबस में है मुझे वैसा ही चलना पड़ेगा. आई एम बाउंड टू डू इट, मेरी मजबूरी है, तो मैं जैसा आपके सिलेबस में है मैं वैसा ही बताने वाला हूँ आपको. ओके, तो दे विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ टोरॉइड. तो आई विल जस्ट से केस ऑफ टोरॉइड. और ये जो टोरॉइड है, आपको तो पहले पता होना चाहिए टोरॉइड क्या होता है. दूसरा, टोरॉइड का जो कोर है, व्हाट इज कोर, आई विल टेल यू. लेट्स से हमारे पास ऐसा एक टोरॉइड, जस्ट अ मिनट, समथिंग लाइक दिस मान लो. सो वी हैव दिस टोरॉइड मोर और लेस. यस, हमारे पास टोरॉइड है. आपने पिछले चैप्टर में इफ यू रिमेम्बर टोरॉइड पे एक वाइंडिंग किया था, इस वाइंडिंग में करंट पास किया था और इस करंट की वजह से एक्सिस ऑफ टोरॉइड पे मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है वो आपने फाइंड किया था. म्यू जीरो एन आई ऐसा आया था, राइट. तो I will denote that magnetic field क्योंकि इसमें करंट है I, let us say I current is there. तो इसमें जो I current है उस I current की वजह से axis of toroid पे magnetic field है mu zero n I, where n small n denotes number of turns per unit length, which is equal to mu zero capital N upon 2 pi r I. Where capital N is total number of turns, 2 pi r is length of toroid, क्योंकि toroid पहले तो solenoid था, solenoid को हमने circular shape में bend कर दिया, donut shape में bend कर दिया, तो length बन गया 2 pi r, ये बताना चाहिए. तो ये जो magnetic moment है, sorry, magnetic field है, B0, so B0, B0 is due to current, okay, due to current. इन एडिशन, एडिशनली अगर ये टोरॉइड बना हुआ है फ्रॉम सम मटेरियल, लेट अस से आयन. आयन क्या है? फेरोमैग्नेटिक है, मतलब परमानेंट मैग्नेट है. ये फेरोमैग्नेट क्या होता है वो आगे आ जाएगा. फॉर द टाइम बीइंग जस्ट इमेजिन, पिछले चैप्टर में बिकॉज हम लोग मैग्नेटिज्म मतलब बोल सकते हो नेचुरल मैग्नेटिज्म की बात नहीं कर रहे थे. हम उस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जनरेट हुआ है उसी की बात कर रहे थे. तो वहां पे हमने जब टोरॉइड का केस लिया था तो हमने बोला था कि वाइंडिंग से करंट पास करेंगे और उस करंट की वजह से एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है वो देखेंगे. सब्सटेंस किस चीज से बना है वी डिड नॉट बॉदर, हमने सोचा ही नहीं था कि मटेरियल खुद भी मैग्नेटिक हो सकता है. यहाँ पे ये डिफरेंस है. यहाँ पे अगर मैंने ये जो मटेरियल है कोर मटेरियल जो है ये कोर मटेरियल, अगर मैंने ये फेरोमैग्नेट मतलब आयन जैसा कुछ ले लिया तो इस मटेरियल का खुद का मैग्नेटिज्म होगा जिसको मैं बी एम बोल रहा हूँ, तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूशन होगा. और मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू द मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन. तो ये खुद इट इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन एमजेड. ओके, देयरफॉर यू कैन राइट बी एम एज म्यू जीरो, वेयर म्यू जीरो इज परमियाबिलिटी इनटू एमजेड. इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू. तो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन, टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ड्यू टू करंट प्लस ड्यू टू मटेरियल इटसेल्फ. तो ये आ जाएगा आपके पास म्यू जीरो एन आई प्लस म्यू जीरो एम जेड. म्यू जीरो में कॉमन निकाल लेता हूं, एन आई प्लस एम जेड. अब ये जो एन आई है
देखो द आइडिया हेयर इज एन इंटू आई, मतलब करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्ट्रीब्यूशन, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच। तो आप इसको लिख सकते हो म्यू जीरो एच प्लस एम जेड, वेयर एच इज एन इंटू आई, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। सो मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज द कॉन्ट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू करंट। तो करंट का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है दैट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ओके, वो बाय डेफिनेशन है। तो एन इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू करंट इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। अब एक नया क्वांटिटी डिफाइन करेंगे हम लोग, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बाय द वे दिस इक्वेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, टू लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 3। नाउ यू नीड टू डिफाइन, तो पहले ये भी बोल देते हैं हम लोग, एच इक्वल टू एन आई इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। देन there is something called as magnetic susceptibility, और ये एक बहुत सिंपल सा पैरामीटर है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं काय से। इट इज वेरी सिंपल बट येट पावरफुल पैरामीटर, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको बता सकती है कि मटेरियल इन नेचर डायामैग्नेट है, पैरामैग्नेट है या फेरोमैग्नेट है। तो बाय द वे दिस ससेप्टेबिलिटी काय इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सिर्फ याद रखने से काम नहीं बनने वाला, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड क्या बोलना चाहता है पैरामीटर। एमजेड मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन मतलब नेचुरली जो नेचुरल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है मटेरियल के वहां से आता है। क्या था मैग्नेटाइजेशन? मैग्नेटाइजेशन था नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, जो एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं, ओके। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो एटम का खुद का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो एटम का खुद का डायपोल मोमेंट बचता ही नहीं है, इट कैंसल्स आउट। बट अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड नहीं है उसका डायपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होता, मतलब एटम के पास नेट डायपोल मोमेंट है। एक सब्सटेंस में, एक यूनिट वॉल्यूम में बहुत सारे ऐसे एटम, मतलब बहुत सारे ऐसे डायपोल मोमेंट्स होंगे, तो पर यूनिट वॉल्यूम कितना डायपोल मोमेंट है, दैट इज मैग्नेटाइजेशन। और मैग्नेटाइजेशन ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ये करंट की वजह से नहीं आया। तो ससेप्टेबिलिटी मतलब मैग्नेटाइजेशन, मतलब नेचुरल मैग्नेटाइजेशन की बात चल रही है, नेचुरली कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो सकता है, डिवाइडेड बाय h, h वाज n इनटू y। तो बेसिकली ससेप्टेबिलिटी इज टेलिंग यू हाउ मच इज द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड फ्रॉम करंट। तो ससेप्टेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब यहां से आपको समझ में आ गया, मैग्नेटाइजेशन MZ इज इक्वल टू ससेप्टेबिलिटी काय इनटू H, इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन 4 आप इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिल जाएगा B इक्वल टू म्यू जीरो H प्लस काय H। ये आपको मिल जाएगा म्यू जीरो 1 प्लस काय इनटू H। ये जो 1 प्लस काय है, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी, ओके। तो 1 प्लस काय, 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी काय इज म्यू आर, विच इज रिलेटिव परमेबिलिटी। दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमेबिलिटी, म्यू आर। देयरफॉर आपको बी मिल जाएगा म्यू जीरो इंटू म्यू आर एच। ये जो म्यू जीरो इंटू म्यू आर है, इसको हम लोग बोलते हैं परमियाबिलिटी ऑफ मटेरियल। म्यू जीरो इज परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस,
म्यू आर इज रिलेटिव परमेबिलिटी, देयरफॉर आपको बी मिल गया म्यू एच. तो मैग्नेटिक इंडक्शन इज नथिंग बट म्यू टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, राइट. इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो यू शुड रिवाइज दिस. ओके, आपको ये करना पड़ेगा. सो नाउ एज आई टोल्ड यू, ये जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है, इट इज अ पावरफुल पैरामीटर. तो जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है, ये ससेप्टेबिलिटी, तो यहां पे मटेरियल और उसकी काय वैल्यू, देखो अगर काय वैल्यू मतलब ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू अगर स्मॉल और नेगेटिव है, ओके, स्मॉल एंड नेगेटिव, मतलब फॉर एग्जांपल -10^-3 टू -10^-5, इफ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज स्मॉल एंड नेगेटिव, देन द मटेरियल इज डायमैग्नेटिक इन नेचर. अभी डायमैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, ये इन अ वाइल एक दो मिनट में आएंगे उस पर. अगर काय की वैल्यू स्मॉल बट पॉजिटिव है, इफ द वैल्यू ऑफ काय हैपेंस टू बी स्मॉल बट पॉजिटिव, देन द मटेरियल इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. अगर काय की वैल्यू अगर काय की वैल्यू पॉजिटिव बट लार्ज है, तो इट इज फेरोमैग्नेटिक इन नेचर. नेगेटिव बट स्मॉल डायमैग्नेटिक, पॉजिटिव बट स्मॉल पैरामैग्नेटिक, पॉजिटिव बट लार्ज फेरोमैग्नेटिक. ये दो जो मटेरियल है, ये टेम्पररी मैग्नेट्स होते हैं, दे शो टेम्पररी मैग्नेटिज्म. और जो लास्ट है फेरो, दिस इज अ परमानेंट मैग्नेट. सो दिस मटेरियल शोज परमानेंट क्यों, क्योंकि समझेगा आपको बाद में. तो दे शो, इट शोज परमानेंट मैग्नेटिज्म. तो मटेरियल मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल या फिर मैग्नेटिक मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ ससेप्टेबिलिटी काय. विल स्टार्ट विथ फर्स्ट टाइप नाउ, डायमैग्नेटिज्म. तो ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ओके, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ये डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है, व्हाई इट इज नॉट अ परमानेंट मैग्नेट, व्हाट प्रॉपर्टीज डज इट हैव, एंड व्हाई आर देयर सच प्रॉपर्टीज. ओके, तो सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो मटेरियल होगा, ये मटेरियल इट इज मेड अप ऑफ एटम्स विच हैव इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. सो मेड अप ऑफ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेड अप ऑफ एटम्स having paired electrons. अब paired electrons मतलब आपको पता होना चाहिए by this time. Paired electrons मतलब even number of electrons. मतलब magnetic dipole moment of electrons cancel out. तो dipole moment of electrons cancel out, which means atom does not have any net dipole moment, no net dipole moment of atom. So atom has no net dipole moment. Atom do not have net dipole moment. Okay, this is important thing. ये बहुत important है. अब अगर atom के पास, खुद के पास
मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है तो फिर ये मैग्नेटिक इन नेचर बना कैसे? तो फॉर दैट यू हैव टू गो बैक टू दिस डायग्राम, दिस वन. ओके, तो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग. अब होगा क्या, अगर मैं इस मटेरियल को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं, सो लेट मी कीप दिस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ओके, ये जो ग्रीन कलर्ड एरो है, दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. तो इसको मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहा हूं. Now, what happens when you keep this in external magnetic field? Jo electron ka dipole moment in the direction of field hai, the electron whose dipole moment is in the direction of external magnetic field, it slows down, uska speed kam ho jata hai. And the electron was डायपोल मोमेंट इज अपोजिट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो स्पीड अप हो जाता है. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नंबर वन स्लोज डाउन एंड नंबर टू स्पीड्स अप. इसका मतलब ये, क्योंकि देखो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन इज ड्यू टू फ्लोइंग चार्जेस, मतलब ड्यू टू करंट, है ना. इलेक्ट्रॉन का स्पीड अप होना मतलब करंट का स्पीड अप होना, मतलब करंट ज्यादा मिलना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मिलना. इलेक्ट्रॉन का स्लो डाउन होना मतलब मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में कम होना. मतलब क्या होता है ओवरऑल, बिकॉज ऑफ दिस सेकेंड इलेक्ट्रॉन स्पीड अप हुआ, पहला इलेक्ट्रॉन स्पीड डाउन हुआ, इसका मतलब एक नेट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया अपोजिट डायरेक्शन में. अपोजिट टू वॉट? अपोजिट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस विच डू नॉट हैव ऑफ कोर्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. दे हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दे डोंट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वहां पे, तो डायपोल मोमेंट कैंसलेशन है. गुड, अब एटम के पास तो डायपोल मोमेंट है नहीं, बट जब हमने इस एटम को एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया तो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें से जो एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में था, जिसका डायपोल मोमेंट एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में था, वो स्लो डाउन हो गया, दूसरा है स्पीड अप हो गया. इसकी वजह से क्या हुआ, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, विच इज गिवन बाय दिस बी, लेट अस से इंटरनल. तो बी इंटरनल जो है, ये बी एक्सटर्नल के अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब टेम्पररी मैग्नेटिज्म इंड्यूस हुआ है यहाँ पे. ओके, सो देयर इज temporary magnetism over here. Such substances are weakly repelled. Properties, see, diamagnets, so paramagnets, so ferromagnets, so each of them have some properties. Okay, so diamagnet ka pehla property ye hota hai that jab aap diamagnetic substance ko ek non-uniform magnetic field mein rakhte ho. What is non-uniform? Matlab magnetic field ki value har ek jagah pe same nahi hai. So this is weakly repelled, मतलब ये strong region of field से weak region की तरफ जाता है. Okay, so when kept in an external magnetic field, this substance moves from stronger to weaker part of the field. दूसरा ये temporary magnetism show करता है, मतलब जैसे ही आपने external magnetic field हटा दी, it loses its magnetism. Okay, and there are six more properties, total eight properties है. तो in the next session, मतलब कल, मैं diamagnetism, para और ferro इस तीनों को compare करके, इसके properties compare करके, we will finish off this chapter tomorrow. Okay? Because I need to tell you these properties in comparison. Comparison करके ही करना पड़ेगा हम लोगों को इसका property का study, so that you remember this while writing in exam. So we'll stop here for now.